नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चंबल घोष न्यूज चैनल। चंबल घोष न्यूज चैनल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। अबे चंबल बजरी माफिया के ट्रैक्टर ने टेम्पो को मारी टक्कर, 3 महिला मजदूरों की हुई मौत, 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश की शुरू। राजस्थान के धौलपुर जिले में पेट की भूख बुझाने के लिए कमाने के लिए जा रही आधा दर्जन मजदूर महिलाओं को अवैध चंबल बजरी से ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने सभी महिलाओं को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। बता दें कि यह बजरी माफियाओं का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब आज मंगलवार को रोजाना की तरह कोतवाली थाना इलाके के पुराना शहर स्थित जाटब बस्ती ओकरी मोहल्ले की रहने वाली महिला मजदूर टेम्पो में सवार होकर रिको एरिया स्थित ग्लब्स फैक्ट्री में काम करने जा रही थी। इस दौरान सदर थाना इलाके के NH3 पर नारायण ढाबे के सामने बाईपास से रॉन्ग साइड से आ रहे अवैध चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने टेम्पो को टक्कर मार दी और मौके पर फरार हो गया। ट्रैक्टर की टक्कर से टेम्पो सवार महिला मजदूर 50 वर्षीय बबीता पत्नी घनश्याम और 55 वर्षीय नत्थो पत्नी सोवरन की मौके पर ही मौत हो गई और 34 वर्षीय राखी पत्नी संजय की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 35 वर्षीय अनीता पत्नी प्रदीप, 36 वर्षीय मंजू पत्नी भगवत और 30 वर्षीय ममता पत्नी विनोद गंभीर रूप से घायल हो गई। राहगीरों ने हादसे की सूचना सदर थाना पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जबकि घायलों को इलाज के लिए एम्बुलेंस से जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। सभी घायल महिला मजदूरों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे की खबर मिलते ही जिला कलेक्टर आर.के. जायसवाल व आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। हादसे में 3 महिला मजदूरों की मौत हो गई। 3 महिला मजदूरों के घायल होने की सूचना मिलते ही उनके परिजन और रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे। इस दौरान वहां चीख पुकार मच गई। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने तीनों महिलाओं के शवों का पोस्टमार्टम करा दिया है। सदर थाने के पास ग्लव फैक्ट्री में मजदूरी के लिए महिलाएं जा रही थी, ट्रैक्टर और टेम्पो का एक्सीडेंट हुआ है। ये दो महिलाओं की मौत हो गई है। आज मैंने विजिट किए और उनके लिए जरूरत करते हैं CM रिलीफ फंड से उनकी सहायता के लिए प्रस्ताव हुआ है। घायल और मत सभी के लिए एक महिला को स्क्रीन इंजरी की वजह से रेफर किया गया और 3 महिला हैं जिनको हमने देखा है एक मेडिसिन बढ़ती हैं और काफ़ी स्टेबल हैं और उनके लिए हमने CM साहब डायरेक्शन दिए उनकी दवाई और जांच और अन्य समस्त व्यवस्थाओं के लिए जैसे व्यवस्थाएं की जाएँ सरकार की तरफ से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 महिलाएँ ये ठीक होंगी और चौथी महिला जो है उसके लिए हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके स्वास्थ्य लाभ के कामना कर रहे हैं, व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग, आग से खाक हुआ दुकान में रखा लाखों का सामान। कोतवाली क्षेत्र के पटपरा मोहल्ले में सोमवार देर रात एक परचून की दुकान में आग लग गई। दुकान से धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने दुकान मालिक अर्जुन कुशवाहा को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दुकानदार ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। लोगों ने व फायर कर्मियों ने करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकानदार का कहना है कि आग से उसकी दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। राजस्थान MACET कर्मचारी एसोसिएशन मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर राजस्थान MACET कर्मचारी एसोसिएशन की धौलपुर इकाई द्वारा MACET कर धौलपुर के कार्मिक हारून खान, आदिल खान, अमित श्रीवास्तव, अमित कुमार द्वारा उपखंड अधिकारी भारती भारद्वाज से मिलकर मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण राज्य सरकार का किया जाकर वरिष्ठता सूची बनाने, नए पद सृजन कर
पदोन्नति दी जाकर आर्थिक परिलाभ दिलाने के संबंध में रखी मांग। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल एवं सभी हिंदू संगठनों ने मिलकर महामहिम राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी राजा खेड़ा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें राजस्थान में हो रहे जिहादी मानसिक के लोगों द्वारा हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थर फेंकने वाला मामला हो या हिंदुओं के पुराने मंदिर तोड़ने का मामला हो या महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का मामला हो, ऐसे कई मामलों को लेकर महामहिम के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए राज्यपाल से घटनाओं की जांच NIA द्वारा करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद राजा खेड़ा अध्यक्ष हरेंद्र फौजी बाबरपुर, हरवीर सिंह बजरंग दल संयोजक सत्य प्रकाश शर्मा, मरेना साहब सिंह सचिव राजवीर सिंह आदि उपस्थित रहे। राजा खेड़ा उपखंड जिला अधिकारी प्रखंड राजा खेड़ा में आज सभी ने मिलकर के ज्ञापन दिया है। ज्ञापन का विषय ये था कि राजस्थान के अंदर कहीं लंबे समय से और एक योजनाबद्ध तरीके से जो लोग एक तरह से देशद्रोही कह सकते हैं उनको, असामाजिक तत्वों ने जो अपने हिंदू धर्म की यात्रा हो या हिंदू धर्म की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उनके ऊपर पथराव करना, उनको मतलब एक तरह से यात्राओं को विफल करना और एक डर का माहौल पैदा करना, ऐसी स्थिति बना रखी कि वहाँ के जो निवासी हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वो एक भयभीत होकर के और इन लोगों से डरावना माहौल पैदा हो और अपने राजस्थान में एक अराजकता जैसा माहौल पैदा हो रहा है उसके खिलाफ आज हमने SDM साहब से यहाँ पर ज्ञापन दिया है, जो कि NIA की जांच करवाने के बाबत हमारा राजस्थान राज्यपाल महोदय से निवेदन है कि इस जांच की जो प्रक्रिया है उसको बहुत अच्छी तरीके से तथ्यों की सही जानकारी निकाल करके जांच करें। विश्व हिंदू परिषद राजा खेड़ा की तरफ से ये ज्ञापन दिया है। बाड़ी नगर पालिका की अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी। पालिका की सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा के निर्देशानुसार एवं अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह एवं चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह के निर्देशन में शहर के हॉस्पिटल तिराहे से सीताराम बाजार, लोहार बाजार, सदर बाजार, सर्रापा बाजार, घंटाघर, किला, गांधी पार्क तक जो दुकानों के आगे जो बेंच लगाकर अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था उसको हटाया गया। सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा।